श्रीमान सचिन, परिचयात्मक प्रश्न, आपके घर में बाजार से खरीदारी करके सामान कौन लाता है? प्रतिबिंब, बालकों में नेत गहरी सूझबूझ को सकारात्मक रूप से बढ़ाना। परिकल्पना, क्या आप स्वयं बाजार से विभिन्न प्रकार की चीजें खरीद कर ला सकते हैं? सचिन के पापा को अपने काम से फुर्सत नहीं मिल पाती। सचिन की मम्मी घर के काम में व्यस्त रहती हैं। ऐसे में सचिन अपनी जिम्मेदारी को पूर्ण रूप से समझता है। वह बाजार से सामान खरीद कर लाता है। इससे न केवल उसके माता पिता का समय बचता है, अपितु उसे भी अपनी समझदारी दिखाने का अवसर मिलता है। हालांकि वह छोटा है, परंतु कोई उसे मूर्ख नहीं बना सकता। आज भी वह सामान खरीदने के लिए घर से निकला। एक दुकान से कुछ सामान खरीदकर वह फल खरीदने फलों की दुकान पर जाता है। अंकल, केले कैसे दिए? 40 रुपए दर्जन, परंतु तुम्हें 35 रुपए दर्जन मिलेंगे। नहीं अंकल, महंगे हैं, कहकर आगे बढ़ता है। अच्छा चलो 30 रुपए दर्जन लगेंगे, बस एक दाम। रुक जाता है। ठीक है, एक दर्जन दे दीजिए। बढ़िया केले दीजिएगा, कोई केला खराब ना हो। दुकानदार केले देता है। सचिन केलों को देखता परखता है। अंकल, गुच्छे में से यह केला निकालकर दूसरा दीजिए। दुकानदार केला देखता है जो कुछ खराब है, वह केला बदल देता है। अंकल, संतरे कैसे दिए? 60 रुपए किलो, परंतु तुम्हें 50 रुपए किलो मिलेंगे। एक दाम। ठीक है, दे दीजिए, परंतु मीठे होने चाहिए। मीठे हैं, एकदम शहद जैसे। दुकानदार 1 किलो संतरे थैले में भर कर देता है। सचिन संतरों को एक एक करके देखता परखता है। एक संतरा वह बदलना चाहता है। अंकल, यह संतरा बदल दीजिए। संतरा निकालकर दुकानदार की ओर बढ़ाता है। दुकानदार संतरा बदल देता है। अंकल, कितने पैसे हुए? क्या और कुछ नहीं चाहिए? नहीं, बस पैसे बता दीजिए। दुकानदार जोड़ के पैसे बताता है। सचिन पैसे चुकाकर थैला लेकर चला जाता है।